हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मेकअप शेकअप। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ होममेड काजल एंड आईलाइनर, यानी कि आप घर पर बहुत ही कम चीज़ों के साथ में इस तरह का काजल एंड आईलाइनर बना सकते हो। एंड गाइस, साथ ही साथ ये वाटरप्रूफ भी है। यस, आपको मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे जो कि क्लेम करते हैं कि वो वाटरप्रूफ है, बट वो कॉस्टली होते हैं एंड आप बहुत ही कम पैसों में, मिनिमम ना के बराबर पैसों में इस तरह का काजल एंड आईलाइनर बना सकते हो। तो इसके लिए लेना है आपको मिट्टी का दिया। एंड गाइस, ये बहुत ही इजीली आपको घर पर मिल जाएगा, बिकॉज रिसेंटली दिवाली था तो दिवाली में सबके यहाँ दिए जलते हैं, तो मैंने भी उन्हीं में से दो दिए ले लिए। और लेना है आपको कॉटन, यानी कि इस तरह से कॉटन की बत्ती बना लेनी है और बस आप अपने दियों में रख लीजिए। ये तो सभी को पता होगा, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं, कुछ भी टफ नहीं है। और उसमें मैंने डाला है सरसों का तेल। अगर आपके पास सरसों का तेल नहीं है या फिर नहीं डालना चाहते हो तो उसकी जगह घी या फिर मस्टर्ड ऑयल डाल लीजिए, बट सरसों का तेल बहुत ही अच्छा होता है आपकी आँखों के लिए, क्योंकि पहले के ज़माने में जो दादी लोग होती थी ना, वो सरसों का तेल आँखों में डालती थी। यस, बच्चों की आँखों में सरसों का तेल डालती थी, जिससे वो आँखें बहुत ही अच्छी होती थी और साफ भी होती थी। जैसे आजकल हम लोग आई ड्रॉप डालते हैं ना, उसकी जगह वो लोग ऑयल डालते थे। सो मैंने यहाँ पर सरसों का तेल डाल दिया है और उन बत्तियों को जला लिया है। गाइस देख सकते हो, मैंने पास पास रखा है ताकि इससे जो निकलने वाला धुआं है ना, वो काफ़ी ज़्यादा निकले एक साथ में, बिकॉज ये जो दिए हैं ना वो छोटे हैं, मेरे पास बड़ा नहीं था इसलिए मैंने दो दिए लिए। आप चाहे तो सिर्फ एक में ही काम चला सकते हो। अब मैंने उसके आसपास चाय के कफ रख दिए हैं, आप ग्लास रख सकते हो या कुछ भी रख सकते हो, बस क्योंकि ताकि आपकी जो प्लेट है ना वो उसमें टिक जाए, इसलिए मैंने ये जुगाड़ बिठाया है। और उसके बाद देख सकते हो कि जो दिया है ना, उसकी सीधी जो लौ है यानी कि धुआं, वो सीधा प्लेट में जाके लग रहा है, जिससे जो हमारी प्लेट है ना उसमें अच्छी खासी कालिख मिल जाएगी। और क्योंकि इसमें मेन चीज़ होती है, जो कि मेन ज़रूरत होती है कालिख की, तो इतने सारी जो भी मैंने तीम झाम किया है ना, वो सिर्फ इसीलिए किया था। तो देख सकते हो सीधा जो लव है ना वो आपकी प्लेट में जाएगी, इसलिए आपको प्लेट है ना थोड़ा सा पास में रखना है ताकि इधर उधर ना निकले। और देख सकते हो धुआं इधर उधर से जा रहा था, बिकॉज मैंने ये वीडियो ना छत पे शूट किया था और थोड़ी बहुत हवा चल रही थी इस कारण। तो गाइस, एक घंटा मैंने ऐसे रखा और उसके बाद देख सकते हो मेरी प्लेट में अच्छा खासा कालिख आ गई है। सो आप चाहें तो उससे ज़्यादा भी रख सकते हो। और मैंने ये जो अपने दिए वगैरह हैं ना, इनको साइड में हटा लिए हैं क्योंकि अब इनका काम ख़त्म। अब प्लेट गर्म थी तो मेरे हाथ से भी छूट गई, बट आप थोड़ा ना केयरफुल होकर काम करना। और मैंने लिया इस तरह की कटोरी और उसमें से कालिख को इस तरह से खुरच खुरच कर सारी निकाल लूँगी, क्योंकि जम जो कालिख है ना उसको खुरचेंगे तभी निकलेगा। और किसी भी चम्मच से वगैरह से आप इसको खुरच सकते हो, मैंने जस्ट एक साथ इकट्ठा किया है। और गाइस, ये बहुत ही इजी है बनाना और उसके बाद आप इसको डेली यूज कर सकते हो इस तरह के काजल को, बिकॉज मेरे यहाँ ना दिवाली टाइम में तो बनता ही है, बट अगर ख़त्म हो जाता है ना तो मेरी मम्मी फिर से बनाती हैं और रात में सोने के टाइम बोलती हैं कि आँखों में ज़रूर लगाइए, क्योंकि जो बाज़ार के काजल होते हैं ना वो उतने अच्छे नहीं होते। हमको लगता है ना कि वे बहुत ही मतलब ब्लैक जेट हैं या फिर मेरी आँखों को कुछ भी हार्मफुल नहीं पहुँचाएंगे, यार ऐसा नहीं है, कोई केमिकल तो कुछ ना कुछ होता ही है जो कि हमारी आँखों के लिए अच्छा नहीं है। और ये देख सकते हो बिल्कुल देसी तरीका है, तो बिल्कुल भी आपकी आँखों को नुकसान नहीं होगा। तो देख सकते हो मैंने पूरी कालिख को अच्छे से बिल्कुल ड्राई कर लिया है, ड्राई का मतलब फाइन कर लिया है, और उसमें थोड़ा सा मिलाया देसी घी। देसी घी इसलिए मिलाया है ताकि जो आपका काजल है ना वो और अच्छा हो और ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। और उसमें मैंने विटामिन ई का कैप्सूल भी डाल लिया है। आप चाहें तो आँखों में डालने वाला जो गल्ला होता है ना, जैसे आँखें वगैरह आ जाती हैं तो हम लोग यूज करते हैं, जो इंडिया के लोग होंगे वो जानते होंगे, तो उसको भी आप यूज कर सकते हो। अब इन तीनों चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और मेरा काजल रेडी है। देख सकते हो गाइस कितना जेट ब्लैक है, यानी कि इसने ना जो बाज़ार के यानी कि मार्केट के जो भी काजल है ना उसको भी फेल कर दिया है। और कितने कम टाइम में यार कितना बेस्ट काजल बन के रेडी है, जो कि आपकी आंखों के लिए फ़ायदेमंद है। साथ ही साथ यार बहुत सी लड़कियां हैं जो
कि बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं कर पाते या फिर इतना ज़्यादा पैसा नहीं होता या पॉकेट मनी नहीं होती कि वो इतने कॉस्टली काजल वगैरह आईलाइनर खरीद सके, तो आप इस तरह के होममेड काजल एंड आईलाइनर को बनाइए एंड यूज़ करिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर पानी डालकर भी दिखाया है कि ये वाटरप्रूफ है कि नहीं है। एंड गाइस देख सकते हो ये प्योर वाटरप्रूफ है, यानी कि कहीं भी काजल टच से मस नहीं हो रहा, जहाँ भी है वैसे ही है। सो गाइस अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही हो ना, तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करो, और गाइस अपने प्यारे पर कमेंट करके बताना कि ये वीडियो कैसा लगा। और मैंने इस तरह की डिबिया में स्टोर कर लिया है काजल, आप चाहे तो कैसे भी स्टोर कर सकते हो। सो टिल देन टेक केयर, बाय।